नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बेसिक शिक्षा विभाग में किस स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अक्सर ही ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ करती हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो वायरल किया गया था चंदौली ज़िले में, जिसमें एक अध्यापक के द्वारा ही दूसरे से घूस मांगा जा रहा था वेतन के मुद्दे पर। अब इसका संज्ञान उच्चाधिकारियों द्वारा लिया गया और अब संबंधित व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है। आप हाल ही में नियुक्त हुए हैं, 69,000 पदों के सापेक्ष नियुक्ति लगभग 7 महीने भी बीत चुके हैं। सरकार का पहले से भी आदेश था कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन जिले स्तर पर काफ़ी लेट किया गया, देरी से सत्यापन के लिए भेजा गया और उसके बाद रिमाइंडर भी नहीं दिया गया। और अब कोविड काल में परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हो गई हैं और एक इसका एक मतलब रीज़न ये रहता है कि ये जितना लंबा एरियर बनेगा उतना उनका कमीशन, कई ऐसे जगह आप देखते हैं जहां पर कमीशन के चक्कर में जानबूझकर चीज़ों को डिरेल किया जाता है, लेट किया जाता है। और अब एक जीता जागता उदाहरण, हाल ही में एक अंतरजनपदीय शिक्षक थे जिस प्रकार से पैसे की मांग की जा रही थी, या वो 69,000 में था ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो था कि वो लगातार पैसे की मांग कर रहे थे, घूस मांग रहे थे। ऑडियो आपने हो सकता है देखा भी हो, सुना हो भी हो सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और इनको अब निलंबित किया गया है। और आप भी इस प्रकार की चीज़ों को सामने लेकर आइए, सरकार के संज्ञान में लेकर के आइए। अगर अध्यापक खुद ही अपना शोषण करवाएगा तो जाहिर सी बात है वह शोषण का स्तर और बढ़ ही जाएगा। आपके साथ भी जैसे 6 महीने का एरियर लग गया, तो 6 महीने मतलब 6 महीने बाद 7 महीने बाद वेतन लगता है, तो जो एरियर बनेगा उसमें भी एक कमीशन, जो BSA ऑफिस में बाबू लोग होते हैं ये लोग अपना तय किए रहते हैं कई कई जगह पर, और उसके बाद फिर वेतन का एक बड़ा हिस्सा देना भी पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप सामने लाइए, इस प्रकार की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके संज्ञान में लेकर आइए उच्च अधिकारियों को, ताकि इन लोगों की भी जो हिम्मत है वो जवाब दे, ये लोग भी डरे कि लोग कार्य कर रहे हैं। और अब जब इस प्रकार से 2-3 लोग निलंबित होंगे ना, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि इस प्रकार का शोषण करना कितना भारी पड़ सकता है। फिलहाल इन पर कई आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, अध्यापक सेवा नियमावली के विरुद्ध आचरण है, विभागीय आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, विभाग की छवि धूमिल कर रहे हैं, अध्यापकों का वित्तीय शोषण कर रहे हैं, अन्य कई प्रकार की आरोप इन पर लगाकर निलंबित कर दिया गया है। अब ये जो 36,590 नियुक्ति हुई है, 31,270 नियुक्ति हुई है और अंतर जनपदी जो स्थानांतरण हुआ, इसमें ये एक प्रकार से सोर्स तलाश रहे हैं कि अब इन्हीं माध्यमों से इनकी एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको होगा, एक्स्ट्रा कमाई होगी। और आप हालांकि इस चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, कई जगह पर आप फेस कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों को आप सामने लेकर आएंगे तभी इस प्रकार से कार्य किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर BSA के द्वारा एक आदेश निकाल कर इनको निलंबित किया गया है। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि चीज़ें सही होंगी और जो भी भ्रष्टाचार इस प्रकार शोषण किया जाता है वो खत्म होगा, बंद होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।